मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा को देखते हुए चुनावी प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक रवि किशन अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के भालूमाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे। इस दौरान वे अपने जाने माने फिल्मी अंदाज में दिखे। रविशंकर ने चुनावी सभा की शुरुआत की और कुछ अलग अंदाज से कहा। उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता से पूछा का हाल बा और इसके बाद सीधा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा जिंदगी झंड बा कांग्रेस का फिर काहे घमंडवा। इस डायलॉग के साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस ने 1.5 साल के शासन में लूट मचा दी। ये लुटेरे फिर से लूटने आए हैं। 15 महीने के सरकार में कमलनाथ ने कई योजनाएं बंद कर दिए जिसे शिवराज ने फिर से चालू किया। जहां मोदी जी शिवराज चौहान जी के कार्य है, जहां पर विकास है, मंत्री जी ने इस जगह को जहां ये अंधेरे में अनुपुर डूबा रहता था उसको एक पहचान दी मंत्री जी। 6 बार के विधायक आज यहां पर एक शहर बन गया, जिला इसको एक पहचान मिल गई है, जिला स्तर बन गया। ऐसे मंत्री को हमने यही कहा कि हम माँ बाप बूढ़े होते हैं तो क्या आप छोड़ देते हैं? 6 बार में अगर हुआ है, हम देखे विरोधी लोग इनको कह रहे हैं कि बूढ़ा गए हैं। ये कितना बड़ा पाप है कांग्रेसियों का। ये तो लुटेरे हैं, ये लुटेरे ऐसे ही सब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या? कांग्रेसी शायद उन लोग छोड़ देते हैं बुढ़ाने के बाद। हमारे ये अनूपपुर की जनता एक एक इनके साथ खड़ी है और इनको जिता रही है। ऐतिहासिक वोटों से ये 17 तारीख को वोट में फिर यहाँ पर भाजपा का, मेरे मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का कमल खिले। झंड बा कांग्रेसी लोग, अरे लुटेरा लोग, कौन है बात के खमन।